भी कई सारी खबरें और अपडेट सामने आती हैं, जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। और उसी तरह का हमारे पास है एक स्पेशल सेगमेंट आप लोगों के लिए, जिसका नाम है टॉप 5 न्यूज। और आज के लिए भी हमारे पास है आज की टॉप 5 खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ वैशाली गोखिया, और चलिए आपको बताती हूँ कि आज के 5 खबरें क्या कहती हैं। तो जो पहली अपडेट है वो ये है कि सीजन 14 एक महीना के लिए एक्सटेंड होने वाला है। जी हाँ, मेकर शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नेक्स्ट वीक तक घर में कुछ पुराने सदस्यों की एंट्री करवा सकते हैं और कुछ वाइल्ड कार्ड कंटेंडर्स की भी एंट्री करा सकते हैं, और साथ ही में शो को कर दिया जाएगा एक महीने के लिए एक्सटेंड। दूसरी जो अपडेट है वो है बिग बॉस सीजन 14 में अगले हफ्ते कुछ पुराने बिग बॉस के कंटेंडर्स की एंट्री हो सकती है, जिनमें काव्या पंजाबी, सृष्टि रोडे, विकास गुप्ता जैसे सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। तीसरी जो अपडेट है वो एलिमिनेशन को लेकर है। जी हाँ, सोर्सेस से पता चला है कि इस हफ्ते 9 एलिमिनेशन, और वजह है शो में आने वाला नया बदलाव। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि कविता कौशिक के बाद इस घर में इस हफ्ते कोई कप्तान नहीं बना। जी हाँ, घर वालों में आपसी सहमति नहीं बनी कप्तानी को लेकर, और इस हफ्ते कोई कप्तान नहीं बना। पांचवी जो अपडेट है वो है वोटिंग ट्रेंड को लेकर के। जी हाँ, आज शाम 6 बजे तक मिली वोट्स के हिसाब से आपको बता दें कि राहुल वैद्य ने आज के वोट्स में बाजी मार ली है, और वो नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर है रुबिना दुलैक, नंबर 3 पर जैस्मिन भसीन, नंबर 4 पर अली गोनी, नंबर 5 पर अभिनव शुक्ला, नंबर 6 पर पवित्रा पूनिया, बॉटम 2 में अभिनव और पवित्रा है। तो दोस्तों, ये थी फाइनल वोटिंग ट्रेंड, यानी कि पवित्रा और अभिनव में से किसी एक का बिग बॉस के घर से जाना थोड़ा निश्चित ही है अगर इस हफ्ते एलिमिनेशन होता है तो। तो दोस्तों, ये थे आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए इसी तरह से टॉप 5 खबरें, बाकी दूसरी खबरें, अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर, कटलेस, अनसीन, अनदेखा सबसे पहले जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।